हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फ्लैगशिप 3 कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकतर लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारे पास भी एक जबरदस्त कर्व्ड डिस्प्ले और एक प्रीमियम डिजाइन वाला एक स्मार्टफोन होना चाहिए। बट दोस्तों, कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन एकदम हाई प्राइस पॉइंट पर आते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट में रिसेंटली लॉन्च किए गए 3 मिड रेंज कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन, जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे 25,000 से 30,000 के आसपास। दोस्तों, यहां पर कर्व डिस्प्ले के साथ ही साथ सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, आप किसी भी ब्रांड और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से आता है, इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। मोबाइल फ़ोन में सारे फीचर्स टॉप नोच लेवल के देखने को मिल जाएंगे। वन बाई वन आपको सारे फीचर्स बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.8 इंच का AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 900 पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। 387 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर वाला MediaTek Dimensity 920 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X RAM देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन Android V12 पे आएगा और XOS पर रन करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन के मेन कैमरे से 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 400-5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो सपोर्ट करेगी 80W थंडर चार्जर को। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन 0 to 100% 12 मिनट में चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8.7mm मोबाइल फ़ोन की थिकनेस और 230 ग्राम मोबाइल फ़ोन का वेट देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो ये मोबाइल फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी 10 प्रो प्लस 5G। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में आपको सारे फीचर्स फ्लेक्सिबल लेवल के देखने को मिल जाएंगे। वन बाई वन आपको सारे फीचर्स बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक HDR10+ AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 800 पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। 394 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर वाला MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X RAM देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन Android V13 पर आता है, Realme UI पर रन करेगा। UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन के मेन कैमरे से 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p/30fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जर को। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 7.7mm मोबाइल फ़ोन की थिकनेस और 172 ग्राम मोबाइल फ़ोन का वेट देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो ये मोबाइल फ़ोन आपको Amazon Flipkart पर देखने को मिल जाएगा 24,999 rupees। दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि टेक्नो की तरफ से आता है, टेक्नो फैंटम X। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच सुपर AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। 385 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 12 नैनोमीटर वाला MediaTek Helio G95 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X RAM देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन Android V11 पे आता है और iOS पर रन करेगा।
UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 30 मेगापिक्सल का फोकस लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस भी मिलेगा। मोबाइल फ़ोन के मेन कैमरे से 4K वाइड 30 fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से भी 1080p वाइड 30 fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो सपोर्ट करेगी 33 वाट फास्ट चार्जर को। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक पैनल ग्लास देखने को मिल जाता है, 8.7 mm मोबाइल फ़ोन की थिकनेस और 201 ग्राम मोबाइल फ़ोन का वेट देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो ये मोबाइल फ़ोन आपको अमेजोन पर देखने को मिलेगा 25,999 रुपीज़। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।